अद्भुत है। कोई है? यस। डॉक्टर राज घर पे है? जी नहीं। आपकी तारीफ? मैं उनकी तारीफ सुनकर उनको मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, लेकिन लोग राज की तारीफ तो नहीं करते। कल 5-स्टार होटल में गुल्लू नाम का आदमी एक दूसरे आदमी से कह रहा था कि डॉक्टर राज के पास हर बीमारी का इलाज है। गुल्लू 5-स्टार होटल में क्या कर रहा था? वो मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा था कि जो मरीज भी डॉक्टर साहब को मिलता है उसे देखते ही हंसने लगता है। ये आप डॉक्टर साहब की तारीफ समझते हैं? बिल्कुल, मुझे एक ऐसे डॉक्टर की तलाश है कि जो मरीज को हंसा सके। अच्छा, किसे हंसाना है? मेरी बेटी को। क्या हुआ उसे? जब से उसकी मंगनी हुई है ना, तब से उसकी हंसी गायब हो गई है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और मेरा दामाद जो है ना, वो कह रहा है कि जब तक वो नहीं हंसेगी तब तक उससे शादी नहीं बनाएगा। लेकिन इस मामले में डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते। आजकल उनकी खुद की हंसी गायब हो गई है। क्यों? मोबाइल फोन का बिल जो आया है। डोंट वरी, बिल मैं पे कर दूंगा और ऊपर से 1,00,000 रुपया दूंगा। 1,00,000? हाँ। 1,00,000 से क्या होता है? अच्छा, कम है क्या? 5,00,000 रुपया दूंगा। 5,00,000 से क्या होता है? ठीक है, दूसरा डॉक्टर ढूंढता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं चलेगा। तो बेटी को लेके वापस आता हूँ मैं। 5,00,000? दीदी, तेरा मुंह ऐसा कैसे हो गया पवई लेक जैसा? 5,00,000? क्यों हंस रही हो? 5,00,000 की लॉटरी लगी क्या दीदी? कुल्लू 5,00,000? अरे हंसी तो रोको, इसकी हंसी रोकनी पड़ेगी। दीदी ये मालूम है, जीजाजी का प्लेन हाईजैक हो गया। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। वाकई में झूठ है, हंसी रोकने के लिए बोला मैंने। गुल्लू, तू जानना चाहता है ना मैं क्यों हंस रही थी? एक छोटा सा काम है जो तू चुटकी में कर सकता है, उसके लिए हमें 5,00,000 रुपए मिलेंगे। 5,00,000? कौन सा काम? कौन सा काम? एक लड़की है जिसकी हंसी गायब हो गई है, उसका रईस बाप उसे हंसाने वाले को 5,00,000 रुपए देने को तैयार है। लेकिन दीदी मैं तो हंसी गायब कर सकता हूँ, ला नहीं सकता। नहीं गुल्लू, ऐसे मत कहना। हाँ, मैं ये 5,00,000 छोड़ना नहीं चाहती, प्लीज। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी जी, ये रहे 1,00,000 रुपए आपके। अच्छा, और मेरी बेटी भी कहाँ गए? रुठी हुई है ना, बुलाता हूँ। बेटी प्रीति, आओ बेटी आओ। हेलो। हूँ क्यों? कुल्लू जल्दी कुछ कर, सिर्फ 1 घंटे में हमें उसे हंसाना है। आइडिया, एक काम करते, टीवी पे न्यूज स्टार्ट करते, उससे बड़ा कॉमेडी प्रोग्राम दूसरा कोई नहीं है। अरे नहीं, हा? याद है राज का उस न्यूज रीडर के साथ चक्कर चल गया था? हाँ, एक काम करते, हम उसे जोक सुनाते, एक मैं सुनाता हूँ, एक तू सुनाओ। फिर भी नहीं हंसी तो लाफ्टर ट्रैक डालेंगे। मैं आपको एक जोक सुनाऊं? मुझे कोई जोक नहीं सुनना। अरे नहीं सुनो ना, कुल्लू के जोक्स बहुत कॉमिक होते हैं, जोक्स के बाद वो खुद हंसता है। तो जोक तो सुनाइए। सुनना तो सुनो, क्या है, एक लड़का लड़की के तलाश में मैरिज ब्यूरो में जाता है, तो मैरिज ब्यूरो वाला उसको देख के बोलता है, अरे तेरे लायक मेरे पास एक लड़की है। लड़का बोलता है, कौन सी लड़की? वो बोलता है, तेरे मामा की लड़की। लड़का बोलता है, मेरे मामा की लड़की? वो तो कानी है। मैरिज ब्यूरो वाला बोलता है, तो क्या हुआ, तेरे सामने तो हमेशा आके झुका कर चलेगी। तो बोलता है, वो दुबली है। दुबली हो तो क्या हुआ, खाना कम। उसके बाद बोलता है, उसकी नाक छोटी है, होंठ बड़े है, दांत टेढ़े है। तो मैरिज ब्यूरो वाला बोलता है, अगर उस अच्छी लड़की होती तो तेरे साथ शादी थोड़ी करती। आगे क्या होता है?
गुल्लू तेरे जोक सब फ्लॉप जा रहे हैं, लड़की हंस नहीं रही, कुछ करो। लगता है इसी ने कल वनडे मैच देखी होगी। वनडे नो, फनडे मैच देख के आई है क्या? अरे उसकी मंगनी हो गई है। तो ये कभी नहीं हंस सकती है, जरूर इसकी मंगनी इसकी मर्जी के खिलाफ हुई होगी। चल उसे पूछ के देखते हैं। कुछ मत पूछो प्लीज, मुझे कुछ मत पूछो, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है तो तुम अपने डैडी को साफ साफ बता क्यों नहीं देती? मेरे डैडी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो मेरे आशिक को जान से मार डालेंगे। तुम्हारे डैडी ऐसी धमकी दे सकते हैं क्या? हाँ वो अमरीश पुरी के फैन है। तुम्हारे डैडी भी गंजे है क्या? नहीं वो कहाँ है तुम्हारा आशिक? मेरा आशिक, मेरा आशिक अभी किसी मैखाने में बैठकर दर्द भरे गाने गा रहा होगा। वो दिलीप कुमार का फैन है ना, वो तुम्हें उठा के भाग क्यों नहीं जाता? उसके पास रहने के लिए घर नहीं है ना, वो खुद ही घर जमाई बनने की उम्मीद लिए बैठा है। लेकिन नाम क्या उसका? नाम 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 तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन प्यार से सभी लोग उसे टिल्लू कहते हैं। टिल्लू? वो है ना किसी फाइव स्टार होटल में वेटर की सर्विस करता है। अरे वो तो मेरा दोस्त है। अच्छा? हाँ, हम साथ में गोटियां खेलते थे, गुल्लू टिल्लू टीम थी हमारी। आज तो कड़ी धूप है। खैर इश्क में मैंने क्या क्या ना किया, एक चाय पिया और डबल आमलेट खाया और बिल सिर्फ 7.5 रुपए आया। ची 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 ची। अरे टिल्लू टिल्लू, अरे मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार। अरे क्या हुआ गुल्लू भैया, आप इन्हें परेशान क्यों नजर आ रहे हो? परेशान तो आप हो जाएंगे। क्यों, मैं क्यों परेशान होने लगा? हाँ तेरी महबूबा है ना, उसकी मंगनी हो गई। नो प्रॉब्लम गुल्लू भैया, उसे जाने दो। क्या है गुल्लू भैया, जिस लड़की के साथ मेरी मोहब्बत होती है वो लड़की की कहीं ना कहीं पे शादी हो ही जाती है। लेकिन मैं तुम दोनों को मिला सकता हूँ। हाँ। नहीं गुल्लू भैया, अब उस आइटम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? अभी मुझे एक नई आइटम मिल गई है। हाँ। क्या? चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं है अभी। आ गया आपका भाई टिल्लू को लेकर? आ जाएगा आ जाएगा। 5 स्टार में लोगों को ढूंढना आसान काम नहीं है, वहाँ लोग भेस बदल के जाते हैं। लेकिन मेरा आशिक 5 स्टार में सर्विस करता है। ओ तो और भी मुश्किल काम है। क्यों? अरे नौकरी करने वाले कभी जगह पे मिलते हैं क्या? हाँ हे भगवान। ओहो ये तुम आंखें बंद करके क्या बुदबुदा रही हो? मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ कि टिल्लू ना आए। क्यों? क्योंकि है ना वो मेरी मंगनी हुई थी ना जिनके साथ। हाँ वो लड़का है ना। अरे हाँ मेरा आशिक नहीं, मेरी जिनके साथ मंगनी हुई समझ थी। समझ गई उसका क्या? हाँ वो लड़का मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा है। क्या? नहीं गुल्लू मैं प्रीति से नहीं मिलना चाहता। अरे सिर्फ एक बार मिल ले यार। अरे लेकिन एक बार में क्या फर्क पड़ेगा? अरे फर्क तुझे नहीं, फर्क हमें पड़ेगा, चलना मेरे। लेकिन क्या क्या है, तुझे देखकर प्रीति मुस्कुराएगी। हाँ। और उसकी मुस्कुराहट देखकर उसका बाप खुश हो जाएगा। हाँ। और हमें 5 लाख रुपया देगा। मुझे ये बता कि प्रीति के बाप के पास 5 लाख रुपए है, तो तू क्या समझा? नहीं नहीं वो क्या है कि प्रीति के पास में तो सिर्फ चिल्लर ही होती है ना छुट्टे पैसे। अरे रही बोल रहे कैश नहीं रखते, क्रेडिट रखते। तू क्या मैं आऊ तो सही लेकिन मेरा कमीशन क्या होगा? तू प्रीति को लेके भाग जाना और उससे शादी कर लेना। क्या हुआ? मैं शादी तो कर लूं लेकिन शादी के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रे। क्या? वो शादी के बाद ऑरेंज फ्लेवर के, पाइनएप्पल फ्लेवर के क्रीम बिस्किट डिमांड करेगी, तब मैं क्या करूंगा? हम दहेज में देंगे, तू चल। गुल्लू आ गया। गुल्लू आ गया। टिल्लू भी आ गया। पता नहीं उसके साथ एक नाटा सा मोटा सा आदमी है। तो टिल्लू ही है। लेकिन वो तो सचमुच टिल्लू है। तूने ऐसे आदमी से प्यार कैसे किया? बैठे बैठे क्या? हाँ क्योंकि जब उसने मुझे प्यार से आई लव यू कहा तब मुझे उसकी हाइट का अंदाजा नहीं था।
क्यों? क्योंकि तब वो बैठा हुआ था। बिल्कुल गुरु समझ लो, मेरे पास आ गया। प्रीति टिल्लो कैसे हो तुम? प्रीति तुम्हारे बिना मैं तड़प रहा हूँ, भूखा प्यासा हूँ। देखो मेरी टांगे किस तरह लड़खड़ा रही है। इसलिए लास्ट एक महीने पिया इसका, बहुत पिता ही। अच्छा हुआ टिल्लू आ गया, अब इसकी हंसी लौट आएगी। काहे की लौट आएगी, ये तो और सीरियस हो गई, देख ना। हाँ यू आर राइट, एक्सक्यूज अस प्लीज। कुछ कर कुछ कर। प्रीति यहीं पे रुकते हैं। देखो यहाँ पे हरियाली है। प्रीति चिंता की कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारी मंगनी हो गई लेकिन मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। यस लेकिन मेरे डैडी। अरे डैडी को मारो गोली, हाथ में अंगूठी और गले में सोने की चेन पहनने से कोई आदमी अमीर नहीं हो जाता। अरे जब घोटाले का वारंट बाहर निकलता ना तब सब भिखारी हो जाते, भिखारी। मेरे डैडी। अरे क्या हुआ, गोली मारो डैडी को। बस तुम एक बार जमकर हंस दो। मैं कैसे हंसू? ऐसे नहीं टिल्लू, मेरे डैडी पीछे से सुन रहे हैं। कहाँ से? पीछे से। अच्छा हाँ। हेलो डैडी। डैडी गुल्लू, इनकी डैडी आ गई, इनकी डैडी आ गई। अरे भाई तुम शर्माते हो, शर्माते हो, रहे हो, शर्माते हो। अरे बाहर आओ, चुपो डंडे से घबराते हो। प्रीति ये लड़का मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहा है? मुझे क्या मालूम, कहीं ये लड़का वो तो नहीं है जो तुम पे डोरे डालता था? नहीं ये तो बस एवे गुल्लू का दोस्त है। गुल्लू का दोस्त? गुल्लू मैं गुल्लू, ये मेरा दोस्त। कहीं देखा हुआ है तुमको मैंने पहले? सुबह देखा होगा जब आए तभी। नहीं उससे पहले? पहले हाँ देखा होगा, बहुत लोग देख चुके हैं मुझे। हाँ याद आया, कल फाइव स्टार होटल में डॉक्टर राज की तारीफ करते हुए। करेक्ट। हम लोग आपकी बेटी को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं जानता हूँ कि इसकी हंसी क्यों गायब हो गई है, क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती है। ये झूठ है डैडी। खामोश बदतमीज लड़की, मुझे मालूम है तुम्हारा आशिक लफंगा एक होटल में वेटर है। ए, वो भले ही वेटर हो लेकिन लफंगा नहीं। नहीं नहीं ए, तुम क्यों इतना बोल रहे हो, कहीं तुम तो वो नहीं? क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने कहते है कि मैं आपकी बेटी के साथ प्यार करूंगा? क्या क्या कहा? सच कहता हूँ, इसमें है ही क्या प्यार करने लायक। तो फिर इसकी मंगनी कैसे हुई? मंगनी तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है लेकिन प्यार नहीं कर सकता। मंगनी तो मैं भी इसके साथ कर सकता हूँ। ठीक है तो तुम कर लो मेरी लड़की के साथ मंगनी। लेकिन डैडी मेरी मंगनी तो हो चुकी है। वो मंगनी टूट गई बेटा। टूट गई? हाँ, लड़के वालों को तुम्हारे प्रेम की दास्तान मालूम हो गई। I'm sorry प्रीति, तुम्हारी मंगनी टूट गई। मंगनी टूटने का मुझे कोई गम नहीं, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करता। ये तुम्हें क्या प्यार करेगा, इसकी हैसियत ही क्या है? नहीं, अच्छा खासा कमा लेता है, दो टाइम का खाना मुफ्त मिलता है, ऊपर से टिप मिलती है। अरे इसकी शक्ल तो देखो, फ्राई किया हुआ बैंगन। ए बोल कद्दू। अरे टमाटर। अरे मसाला गोभी। अरे भिंडी। अरे कच्चा करेला। अरे अरे झगड़ा मत करो, ये सब मेनू जानता है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दूं। डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं तेरी शादी वहीं करूंगा जहाँ तू चाहेगी। सच? तो फिर डैडी मिल गया इनसे, यही वो लड़का है जिसे मैं चाहती हूँ। क्या यही है वो लड़का? इम्पॉसिबल। ये सच है डैडी। मैं इस मोहल्ले से तेरी शादी नहीं करूंगा। डैडी मैं शादी करूंगी तो इसी से। हाँ मैं बोल देती हूँ। हाँ, हाँ। क्यों इससे क्यों शादी करेगी? क्योंकि इसने अभी अभी मुझे कहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ। इसीलिए अब इससे शादी करके मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। बेटी दुनिया में सबक सिखाने के लिए और लोग भी है। हाँ। और तुम्हारे लिए आज एक नया प्रपोजल आया है मेरे पास। अच्छा? एक आदमी अभी अभी रईस बना हुआ है। हाँ। जो पिछले 7 पुश्तों से खानदानी वेटर है। मतलब मेरे डैडी? तू चुप रह। और उसका बेटा है टिल्लू। मतलब मैं? डैडी डैडी यही था वो टिल्लू। अरे अरे आपकी बेटी हंसने लगी। बच्चे हुए 4 लाख रुपए निकालो। डैडी इनको क्या हुआ? डैडी व्हाट हैपेंड? डैडी आर यू ऑल राइट?
दूंगी सच्ची। गुल्लू कुछ करो कुछ करो। ठीक है तुम्हारे 4 लाख रुपए माफ। 5 लाख रुपए दो डैडी प्लीज। आप इन लोगों को 5 लाख रुपए दे देना। 5 और पहले के 4, 9 लाख। 9 लाख।